बेस्ट योगिता, प्लीज कंटिन्यू विथ योर सेमिनार, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम. ओके, स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, यस मैं और ऑडिबल नो? ना मैम? यस यस, यू आर ऑडिबल। यस मैम. थैंक यू मैम. कैन आई स्टार्ट मैम? यस यस प्लीज। गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. माय नेम इज योगिता श्रीसाठ एंड माय प्रेजेंटेशन नेम इज रोल एंड क्वालिटीज ह्यूमन रिसोर्स टीचर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. माय सब्जेक्ट नेम इज क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन. नेक्स्ट स्लाइड में. सो फ्रेंड्स, मैम यस यस योगिता, मतलब मैं एक्सप्लेन करूँ ना? ओके ओके. सो फ्रेंड्स, यू ऑल नो वेरी वेल विच ह्यूमन रिसोर्सेस इन्वॉल्व इन स्कूल मैनेजमेंट. मीन्स टीचर, प्रिंसिपल, सुपरवाइजर, हेल्पिंग स्टाफ, मैनेजमेंट कमिटी, लाइक दैट. मीन्स दिस ऑल ह्यूमन रिसोर्सेस इन्वॉल्व इन स्कूल मैनेजमेंट. मैम नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो टुडेज माय टॉपिक इज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर. ओके, सो टीचर्स हैव मेनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. Required to and more here. Okay. So first, knowledge of the subject is very important. Teaching is also very important. Assessment, professionalism, good behavior, and more. Because teachers' duties and responsibilities day by day increasing. That's why mention is dot dot dot. Okay. So ma'am, please next slide. Okay, so students, first duties of teacher, knowledge of a subject. Okay, so to have expert knowledge of a subject area means every teacher must have a knowledge of their particular subject. Because if they don't have knowledge of their particular subject, they can't explain to their students. Means वो ज्यादा से ज्यादा explain नहीं कर पाएंगे और student को अच्छी तरह से वो subject में involve भी नहीं कर पाएंगे और अपनी बात अच्छे से रख भी नहीं पाएंगे. Okay. So my second point is to get relevant opportunities to grow professionally and keep up to date about the current knowledge and research in the subject area. Means teachers को हमेशा up to date रहना चाहिए. ऐसा नहीं अभी suppose my subject is economics, तो जो book में जो knowledge दिया है, book में जो content दिया है, उसके अलावा जो current knowledge होता है वो हमें मतलब सब्जेक्ट में इन्वॉल्व करके स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझाना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप मतलब खाली सब्जेक्ट सब्जेक्ट एक माइक्रो टीचिंग पढ़ा रहे हो तो उसके अलग अलग रिलेटेड एग्जाम्पल देके उनको पढ़ाना चाहिए. मीन्स उसके जो रिलेटेड जो नॉलेज रहता है वो आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करके स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए. ओके, सो दे वॉन्ट to how to introduce new content knowledge in a way that integrates it with students prior knowledge they can relate current lesson to other subject areas. You want means every teachers wants to know about students prior knowledge. Students ko kya pata hai aapke subject ke bare mein aap को जान के वो फिर टीचर्स को उनको मतलब शॉर्टली कह सकते हैं हम उनको इन्वॉल्व करके हमें अच्छे से वो एक्सप्लेन करना चाहिए. मैम नेक्स्ट ले. टीचिंग यू ऑल नो वी
we learned in our first year of BEd micro teaching. Okay, in that we learned very types of skills, techniques of teaching, and we all know importance of that techniques. Yogita, मीन्स टेक्निक से स्किल से ये आपके टीचिंग को इम्प्रूव करते हैं, तो आपको वो सब ध्यान में रखते हुए टीचिंग करनी चाहिए. ओके, सो टू प्लान एंड प्रिपेयर एप्रोप्रिएटली द असाइन कोर्सेस एंड लेक्चर. जो आप कोर्सेस मतलब आप जो लेक्चर लेने वाले हो उसके लिए आपको प्लान की बहुत ज्यादा आपकी प्लानिंग मतलब बिफोर एंटर यू प्रॉपर प्लानिंग ऑफ सब्जेक्ट और योर लेक्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू. बिकॉज यू व्हेन यू आर नॉट प्लान एनीथिंग मींस एनी लेक्चर दैट टाइम यू गेट मींस आप कंफ्यूज हो जाते हो फिर क्लास में जाके कि हाँ हमें क्या पढ़ाना है. तो इसके लिए आपको एंटर करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है कि हाँ हमें आज ये पढ़ाना है, इसके रिलेटेड मुझे टीचर स्टूडेंट्स को ये सिखाना है, ये उनको समझ में आना चाहिए. ये सब आपका प्लान अप्रोप्रिएट प्लानिंग आपको मतलब बहुत जरूरी रहती है. ओके, सो नेक्स्ट टू कंडक्ट असाइंड क्लासेस एट द शेड्यूल टाइम. ओके, माय फ्रेंड अर्चना एक्सप्लेन टाइम टेबल ऑफ स्कूल इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल. दैट टाइम ही टोल्ड मतलब टाइम टेबल क्यों जरूरी है, क्यों किया जाता है और इसके मतलब एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, उसने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है. तो मैं कहना चाहूंगी कि मतलब टीचर को अपना जो लेसन उनको जो टाइम दिया है कि हाँ आपका मतलब इस टाइम में आपको लेसन कंडक्ट करना है, तो उसी टाइम में टीचर्स को लेसन कंडक्ट करना चाहिए. क्योंकि अगर स्टूडेंट्स उस तरह तो उस टाइम के हिसाब से उस टाइम के अनुसार अपना माइंड प्रिपेयर करते हैं. अभी हाँ ये मैम आएंगे तो हमको ये पढ़ाएंगे, तो इसके लिए वो उनको भी मतलब ग्रास्प करना बहुत आसान रहता है. ओके, सो नेक्स्ट टू इम्प्लीमेंट the designed curriculum completely and due time. Yes, curriculum is the very important things in school. Okay, curriculum means planning of whole courses. Okay, and teachers want to implement that curriculum in due to time. Okay, means her school ka हर मंथ का एक प्रोग्राम रहता है, करिकुलम ने वो सब डिसाइड रहता है. हाँ ए मंथ में यूनिट टेस्ट है, इस मंथ में सेमिस्टर एग्जाम्स है, इस मंथ में स्पोर्ट डे है, इस मंथ में एनुअल डे है. और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचर्स वो सब प्रोग्राम्स वो सब जो एग्जाम्स है वो करिकुलम में जो डिसाइड हुआ है उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करे. ओके, सो नेक्स्ट to plan and implement effective classroom management practices. Yes, this is very important because your classroom management is not effective, you can't do your best. Because अगर आपको सब subject का knowledge भी है, आपके पास सब skills भी है, आपके पास सब techniques भी है, लेकिन अगर आपको classroom management आपका effective नहीं है, तो आप मतलब वहां जाके भी आप कितना भी एक्सप्लेन करो लेकिन बच्चों को वो बच्चे आपको अटेंशन नहीं देंगे, तो उसका कुछ फायदा नहीं है. तो इसलिए मतलब मैम ने कल ही हमें सिखाया कि क्राउडेड क्लासेस, अभी अगर कुछ इनकेस हमें क्राउडेड क्लासेस में भी तो थोड़ा सा जो मतलब मैनेजमेंट रहता है वो उस मैनेजमेंट के क्लासरूम इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा सोच के और हमें वो ट्राई करना चाहिए. और इस वजह से हम अपना जो देना मतलब सब्जेक्ट जो पढ़ाना चाहते हैं वो इफेक्टिवली पढ़ा पाएंगे. ओके, सो नेक्स्ट टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू डेवलप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल एंड इंडिपेंडेंट लर्नर. यस, सो स्टूडेंट मतलब हमें स्टूडेंट को
बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजीज उन पे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जिसके वजह से वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बने। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट टीचर्स ने बोला है तो ही हमें करना है, टीचर्स ने कहा है तो ही हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं। ये चीजें हमें स्टूडेंट के अंदर डेवलप करनी चाहिए। वो कैसे इंक्रीज होंगी, इसके लिए हमें ट्राई करना चाहिए कुछ तो एक्टिविटी, या हमें मतलब ओरली बता के ऐसा कुछ तो स्ट्रेटजीज, हमें जो स्ट्रेटजीज यूज कर सकते इफेक्टिव वो हम करना चाहिए हमें। ओके, सो नेक्स्ट, टू प्रमोट स्टूडेंट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन बाय प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल एंड प्रोग्रेसिवली चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस विच इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू क्वेश्चनिंग, सेटिंग गोल्स, प्लानिंग, टीचिंग, इवेल्युएटिंग एंड प्रोजेक्ट्स। मीन्स टीचर्स को स्टूडेंट को ये करना, मतलब टीचर्स को स्टूडेंट को मोटिवेशन करना चाहिए अलग अलग जो हम, ऐसा नहीं कि आप खाली पढ़ो ये करो सब एक्टिविटी के लिए, लाइक सेल्फ इवेल्युएटिंग, प्रोजेक्ट्स के लिए, और उन्हें खुद को एक मतलब, हाँ आप एक गोल तय करो आपको ये करना है, ये सब चीजों के लिए टीचर्स को स्टूडेंट को मोटिवेशन देना बहुत जरूरी रहता है। इसके वजह से हमारी टीचिंग और भी इफेक्टिव हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू अप्लाई एंड प्रैक्टिस व्हाट इज लर्न। यस, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन, वी लर्न इन अ स्कूल एंड वी फॉरगॉट इन दैट क्लास, बिकॉज मीन्स हम वहां पे जो सीखते हैं वो क्लास तक ही सीमित रखते हैं, हम बाहर आने के बाद वो अप्लाई करना और ये चीजें भूल जाते हैं। तो टीचर्स को टीचिंग इस तरह से करनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को, हाँ मैं आप आज ये आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे एक कल आप अप्लाई करके फिर बताना। लाइक अभी मैंने बार्टर सिस्टम सिखाया है तो उसके बारे में तो अभी टीचर स्टूडेंट्स को मतलब इतने जल्दी समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो पुराने जमाने की सिस्टम है, तो इसके वजह से मैं एक रोल प्ले करके मैंने वो सिखाया था। लेकिन ये चीजें अगर हाँ स्टूडेंट के अंदर भी दिखाई देती है तो स्टूडेंट, हाँ ये देखो मैं तुम्हें पेंसिल दे रहा हूँ तुम मुझे शार्पनर दो, ऐसा कुछ तो वो करते रहते हैं कि हाँ मतलब ज्यादा तो नहीं लेकिन वो ट्राई करते हैं कि हाँ शेयर करेंगे या एक्सचेंज करेंगे लाइक दैट। ओके, सो नेक्स्ट, टू बिल्ड स्टूडेंट्स एबिलिटी टू वर्क कोलैबोरेटिवली विथ अदर्स। यस, दिस थिंग इज आल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन दिस नाउ डेज वी कैन सी मीन्स अभी ज्वाइंट फैमिली बहुत कम हो गई है, तो स्टूडेंट्स को मतलब ज्यादा मिलके या किसी के साथ एक करके बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं अच्छा लगता है कि हाँ नहीं मैं अपना अपना ही करूँगा, मैं उसके साथ क्यों जाके कुछ करूँ, ऐसा कुछ बहुत से स्टूडेंट, ज्यादातर नहीं लेकिन मेनी स्टूडेंट्स लाइक दैट। दैट्स वाई टीचर्स को स्टूडेंट को मतलब ऐसे कोलैबोरेटिवली टुगेदर आके कुछ करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि आप हाँ ये ग्रुप्स बनाओ स्कूल में और आप ये उनको टास्क दो, हाँ ये आप इतने टाइम में कंप्लीट करो, तो वो एक दूसरे को समझेंगे भी और वो थिंग भी समझेंगे, एक दूसरे के स्किल भी अडॉप्ट करेंगे और इसके वजह से वो बहुत सी चीजें सीखेंगे इसमें से। ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो असेसमेंट, असेसमेंट वी लर्न असेसमेंट इन आल्सो आवर फर्स्ट ईयर। इवेल्युएशन मीन्स असेसमेंट इज द इवेल्युएशन सिस्टम। ओके, इवेल्युएशन टाइप ऑफ इवेल्युएटिंग इवेल्युएशन। ओके, टू अप्लाई appropriate multiple assessment tools and strategies to evaluate and promote the continuous intellectual development of the students. Okay, means हमें अलग अलग तरह के assessment tools use करने चाहिए, assessment strategies students को evaluate करने के लिए, हमें उनकी मतलब जो क्या कहते हो
उनको जो बौद्धिक क्षमता, ये देखने के लिए उनका कितना, उनको कितना समझ में आ रहा है, उनका कितना विकास, हम जो पढ़ा रहे हैं वो उनके अंदर, और मतलब वो कितना समझ रहे, ये देखने के लिए हमें इवेल्युएशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज यूज करने चाहिए, और उससे हमें जो रिजल्ट्स आएंगे उससे हम मतलब स्टूडेंट्स को और अच्छे से पढ़ा पाएंगे. ओके, सो नेक्स्ट, टू असाइन रीजनेबल असाइनमेंट्स एंड होमवर्क रूल्स. हम सपोज हमारा एक सब्जेक्ट, एक लेसन कंप्लीट हुआ, तो हम उसको कितना समझ में आया ये करने के लिए टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी रूल्स के हिसाब से भी बहुत सारे हमें इवेल्युएशन टेस्ट लेने होते हैं. वो हमें मतलब लाइक होमवर्क होता है और बाकी भी बहुत से होते हैं, वो भी हमें यूनिवर्सिटी रूल से, यूनिवर्सिटी के रूल से, रूल के हिसाब से लेना बहुत जरूरी है और वो हमें लेने चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट, टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन एन ऑब्जेक्टिव, फेयर एंड टाइमली मैनर. ओके, मीन्स हमें स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस जो इवेल्युएट करते समय वो सब ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव्स एंड सब ऑब्जेक्टिव को अच्छे से करके मतलब टाइमली करना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट, to record and report timely the results of quizzes, assignments, mid and final semester exams. Yes, teachers have this is responsible. Teachers, this responsibility is also very important, because teachers teachers ko record har चीज का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उनको वो रिपोर्ट कार्ड बनाना पड़ता है. तो वो जो मतलब असाइनमेंट का, मिड एंड फाइनल सेमेस्टर का, क्विजेस का, और टाइम पे बनाना बहुत जरूरी रहता है, उसके रिकॉर्ड रखना भी बहुत जरूरी रहता है. तो ये सब चीजें टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और टीचर्स ने वो अच्छे से करनी चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट, to use student assessment data to guide changes in instruction and practice and to improve students learning. Yes, assessment data, जो हमें, हम students का assessment evaluation करेंगे, उसमें से हमें feedback मिलेगा कि teacher मतलब students को क्या चीजें समझ में नहीं आई है, उसमें किसमें वो थोड़ा सा कमजोर है, ये सब देख के हम उनको improve कर सकते, उनकी learning improve कर सकते, और उसमें हमें बहुत अच्छे से हम उनको फिर सिखा पाएंगे. तो वो हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए. ओके मैम, प्लीज नेक्स्ट, प्रोफेशनलिज्म. ओके, टू बी पंक्चुअल एंड बी अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग ऑफिशियल वर्किंग आवर्स. या दिस इज फॉर नॉट अ टीचर, ऑल प्रोफेशनल मीन्स सभी प्रोफेशनल में ये बात बहुत जरूरी रहती है कि आप वर्किंग आवर्स जो आपको डिसाइड किए गए हैं उसमें आप पंक्चुअल रहे, और उसकी टाइम में आप स्कूल के अंदर हो, और वो सब आपके जो आपको जो काम दिया गया है वो टाइम पे करें. ओके, सेकेंड, टू comply with policies, standards, rules, regulation and procedure of the university. Means a teacher should टीचर्स को सब मतलब जो यूनिवर्सिटी ने जो उनको रूल्स, पॉलिसीज, रेगुलेशंस, प्रोसीजर दिया है, उस सब का पालन करना टीचर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टीचर वो सब पालन नहीं करेंगे तो फिर स्टूडेंट्स के ऊपर भी मतलब इफ सब बैड इफेक्ट होगा, क्योंकि हाँ टीचर्स ही नहीं आ रहे, आए बहुत स्टूडेंट्स के मन में आते. ओके, स्टाइल्स, यस, मींस वो प्रिपेयर मतलब उनको भी प्रिपेयर करने होते हैं और स्टूडेंट से भी मिलते हैं, तो वो उनको मेंटेन भी करना है और प्रिपेयर भी करना है. ओके, सो नेक्स्ट, टू टेक प्रिकॉशंस to protect university records, equipment, material and facilities. Yes, टीचर का मतलब ऐसा नहीं है कि अभी हम, मैं टीचर हूं तो मैं खाली पढ़ाना है मुझे, ऐसा नहीं रहता है. तो उनको जो यूनिवर्सिटी के या स्कूल्स के जो रिकॉर्ड्स रहते हैं, इक्विपमेंट्स रहते हैं, मटेरियल्स रहते हैं, फैसिलिटीज रहते हैं,
उनको इन सभी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये सब स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं, और अगर हम स्टूडेंट्स को ये कैसे भी यूज करने के लिए दे देंगे तो वो फिर हमें मतलब उनको जवाब भी देना पड़ता है, और इतना इजी नहीं होता है, फिर वो फंडिंग का भी प्रॉब्लम आता है। तो इसके वजह से वो सब चीजें कैसे यूज करनी है वो हमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स को देने चाहिए और उसका ध्यान भी रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, टू वर्क कोलैबोरेटिवली विथ अदर्स प्रोफेशंस एंड स्टाफ। यस, दिस इज फॉर इम्पोर्टेंट इन टीचिंग एंड मीन्स विथ स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड विथ अवर अदर प्रोफेशनल्स एंड स्टाफ ऑल्सो, बिकॉज मीन्स अगर मुझे कभी कभी, हाँ, इनकेस मुझे बहुत ज्यादा कुछ काम आ गया, इमरजेंसी आ गई, अगर मैं अपने स्टाफ के साथ बिल्कुल भी कोलैबोरेट नहीं हूँ तो मैं उनको नहीं कह सकती कि आज आप मेरा मतलब क्लास एडजस्ट कर लो, ऐसा कर लो। तो अगर आपको उनको उनके साथ मिलजुल के काम करना है, उनके साथ कोलैबोरेटिवली सब सबको साथ लेके चलना है, तभी आप मतलब अच्छे से आपका बेस्ट दे पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट, टू अटेंड एंड पार्टिसिपेट इन फैकल्टी मीटिंग्स एंड अदर असाइन मीटिंग्स एंड एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी पॉलिसीज। टीचर्स को पढ़ाने के अलावा एक्टिविटीज, करिकुलम, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी रहती है, जैसे कि फैकल्टी मीटिंग, असाइन मीटिंग्स और एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी पॉलिसी। मीन बहुत सारी चीजें होती है कि टीचर्स को वो मेंटेन करनी पड़ती है, और वो उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें से वो बहुत सारी चीजें नई नई सीखते हैं कि जो जिससे हम स्टूडेंट्स को और भी अच्छे से सिखा पाएंगे और अच्छे से कुछ मतलब अच्छे से हमारा नॉलेज दे पाएंगे। ओके, सो मैम, नेक्स्ट, गुड बिहेवियर। यस, गुड बिहेवियर इज बिकॉज इंक्लूसिव मीन्स जो डिसेबल चाइल्ड है, जो स्पेशल चाइल्ड है, उनको इजिली कुछ समझ में नहीं आता है, तो वहां पे टीचर्स को ज्यादा मतलब अपना ये नहीं होना है, जल्दी से क्या बोलते हैं उसको, इरिटेट नहीं होना है, उनको अच्छे से एकदम उनको एकदम बेबी जैसा उनको अच्छे से समझाना है और अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ओके, टू मॉडल ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड इथिकल कंडक्ट। मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे कि टीचर्स को ये सब चीजें टीचर के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट, टू मॉडल अ केयरिंग एटीट्यूड एंड प्रोमोट पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यस, मैंने जो बताया वही कि हमें स्टूडेंट्स के साथ भी अच्छा रहना है, सभी स्टूडेंट के साथ अच्छे रहना है, लेकिन जो अभी स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, जिनको थोड़ा सा मतलब लोअर अचीवर रहते हैं, उनको थोड़ा सा हमें ज्यादा से ज्यादा मतलब टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उसमें उस टाइम हमें इरिटेट नहीं होना है, उस टाइम पे हमें पेशेंस रख के उनको सब एक्सप्लेन करना है। ओके, सो टू मॉडल करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज, ओरल एंड रिटन। यस, आप सबको पता है कि मतलब बच्चा अगर घर अपना परिसर ऐसा छोड़ के अगर कहीं से कुछ सीखता है तो अपना टीचर, क्योंकि टीचर बहुत से टीचर मतलब स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल होते हैं, तो हमें जो हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट, मतलब टीचर बहुत सॉफ्ट स्पोकन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम गलत लैंग्वेज यूज करेंगे तो बच्चा वही सीखेंगे, और फिर कहीं पे जाके वो मतलब वो बोल ही रहते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा, हमारे टीचर्स भी ऐसे बोलती है। तो हमें लैंग्वेज यूज करते समय बहुत ध्यान रखना है, और बहुत सॉफ्टली सबके साथ मतलब स्टूडेंट्स के साथ, मतलब स्टूडेंट ने अगर थोड़ा सा मतलब ये रूल्स और रेगुलेशन तोड़े है तो उनको तो थोड़ा सा डांटना पड़ता है, लेकिन ऑल टाइम यू स्पीक सॉफ्टली। ओके, टू नेक्स्ट, टू इंक्रीज स्टूडेंट सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर्स। यस, हमें स्टूडेंट्स के स्टूडेंट को सेल्फ कंट्रोल सिखाना है, जो अभी मैंने बताया कि हाँ नहीं, हमें इरिटेट नहीं होना है, वो स्टूडेंट आपसे ही सीखेंगे, तो इसलिए हमें उनको सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी रहनी चाहिए, मतलब किस चीज के प्रति हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब हमें स्टूडेंट्स को सिखाना है। ओके, टू मॉडल
and promote empathy, compassion, and respect for the gender, ethnic, religious, culture, and learning diversity of students. Yes, students ko hum khali jo books mein diye hai, unhe kya hai, empathy, matlab kisse respect karna hai, ye sab bahut sari cheeze hume student ko include karke, matlab hum jo padha rahe hai, usme hi include karke students ko padhana hai. Okay, so next. Model good social skills, leadership and civic responsibility. Yes, students ko hame social students ke hame social skills develop karne hai, leadership develop karna hai aur civic responsibility. Means wo hum khali bata ke nahi kar sakte, isliye different types of activity hame school mein arrange karke फिर स्टूडेंट्स को वो बताना है, लाइक स्वच्छता अभियान, कुछ मतलब कुछ स्पीच वगैरह है तो एक स्टूडेंट को उसका उनका लीडर बनाओ. हाँ, आपको अभी इनको बोलो कैसे करना है, क्या करना है, इससे लीडरशिप डेवलप हो जाएगा. सोशल स्किल के लिए स्वच्छता अभियान और भी बहुत सारी चीजें वो हम कर सकते हैं. ओके मैम, नेक्स्ट. यस मिस, स्टूडेंट टीचर्स के जो ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्वालिटीज, स्किल्स, टेक्निक्स, ये दिन ब दिन बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग हो रही है. तो मैंने और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लिया, गुड पर्सनल क्वालिटीज ऑफ अ टीचर. ओके, सो टीच ऑनेस्ट, फर्स्ट ऑनेस्ट, दे आर ट्रस्टवर्दी एंड वियबल टू मैनिफेस्ट इंटीग्रिटी एज प्रोफेशनल्स. यस मीन्स हमें हमारे प्रोफेशनल के प्रति बहुत ऑनेस्ट रहना चाहिए, इसके तभी हम अपना 100% दे पाएंगे, 100% कर पाएंगे. ओके, एंथुसियास्टिक मीन्स दे हैव सेंस ऑफ ह्यूमर, प्लेजेंट एंड आउटलुक एंड ऑप्टिज्म. मीन्स टीचर को एक्साइटेड रहना चाहिए हर चीज के लिए. हाँ, अभी मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए ये कुछ नया कर रहा हूँ, हाँ मैं इनोवेटिव कुछ ना कुछ तो उन्हें वो दिखाना चाहिए, तभी स्टूडेंट्स भी मतलब एक्टिवली बहुत इन्वॉल्व होके सब करेंगे. ओके, रोल मॉडल. यस, मैंने तो आपको बताया कि रोल, हर टीचर अपने स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल होता है, तो गुड बिहेवियर एंड सेट गुड एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू इमुलेट. मीन्स आपको आपके स्टूडेंट के सामने गुड गुड बिहेवियर ये करना है कि हाँ नहीं, मेरे टीचर से मैंने ये सीखा है, तो कहीं जाके वो बच्चा अच्छा ही बिहेव करे, तो इसलिए आपको भी गुड बिहेवियर करना है. ओके, फेयर, फेयरनेस डिनोट्स इम्पार्शियली ओपन माइंडनेस एंड ऑब्जेक्टिव जजमेंट. यस मीन्स हमें हमारे स्टूडेंट के प्रति भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है. हमें जो हम जो मतलब हाँ, हमारे क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, उसमें से 10 बहुत अच्छे रहते हैं, 10 थोड़ा सा नॉटी करते हैं, मतलब नॉटी रहते हैं, और 10 थोड़े से मतलब लोअर एच्योर रहते हैं, लेकिन हमें उन सबको साथ लेके चलना है. ऐसा नहीं कि हाँ ये लोअर एच्योर, ये नॉटी है, ये खाली अच्छे है, तो इनको ही मैं अच्छे से, नहीं, हमें उनको बिल्कुल भी पार्शलिटी करनी नहीं है, उनको साथ लेके सबको अच्छे से समझा के पढ़ाना है. ओके, रिस्पेक्टफुल, शो पोलाइटनेस एंड कर्टसी इन डीलिंग विद देयर स्टूडेंट्स एंड पब्लिक. यस मीन्स ऑलवेज यू शो पोलाइटनेस डीलिंग विद योर स्टूडेंट्स एंड पब्लिक ऑल्सो. मीन्स आपके स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि हाँ आपको अभी क्लास में है तो आपको ऑब्जर्व कर रहे, ऐसा नहीं होता है. अगर आपके स्टूडेंट्स आपको बाहर भी देखेंगे तो बाहर भी वो आप, हाँ मेरे टीचर है, तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ आप ऐसे कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो. तो आपको स्टूडेंट्स के साथ साथ पब्लिक में भी, पब्लिक के साथ भी बहुत पोलाइटनेस से बात करनी बहुत जरूरी है. ओके, so last, creative. yes, they have to the ability to create new and original ideas. means teachers को creative होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हर एक lesson के लिए हमें नए नए creativity और नए नए ideas की जरूरत रहती है. हमें कुछ नया करके टीचर्स स्टूडेंट्स को मतलब अच्छे से वो एंजॉय करके कैसे लर्निंग करेंगे, कैसे अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए हमें क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है. तो इसलिए क्रिएटिविटी मस्ट बी देयर. ओके,
ma'am, next slide. Yes, conclusion. Last, shortly, I am telling teachers must have knowledge, techniques, and different skills in their teaching professionalism. Okay, ma'am, next. And references are here. Okay, thank you. Okay, students, if you have any query, please ask. Yes, no queries. You understood the entire topic? Yes or no? Yes, other students? Yes, ma'am. Okay, Archana, very nice. Okay, actually, now this is 3-6. Okay, Yogita, are you ready for the answers? Yes, ma'am. Okay. Give me one example of integration of new knowledge with old one. Integration, I mean, can you ask again? Sorry. Just wait. Old knowledge means mujhe, can you give me one example of integration of new knowledge with old one? See here, in your first point, that is knowledge of the subject, it is the third point. They want to how to introduce new content knowledge in a way that integrate it with students' prior knowledge. You. Wi-Fi the patkan sir. Karengi shayad. Yes, yes. Actually, electricity gone. So Wi-Fi automatically gone. Okay. Yes, ma'am. Okay, Yogita, my question is, can you give me one example of integration of new knowledge with old one? यस मैम, मैंने वही बताया कि हाँ मैं बार्टर सिस्टम के टाइम पे मतलब हम ट्राई कर सकते हैं. हाँ, बार्टर सिस्टम में ये होता था, एक्सप्लेन करने के लिए सपोज मैं बच्चों को ये कर सकती हूँ. हाँ, ये देखो अभी आप आपकी पेंसिल उसको दो, उससे इरेजर लो, तो ये हो गया बार्टर सिस्टम. तो ये ऐसा एक्सप्लेन करके मतलब हाँ पुराना पुराने टाइम पे लोग ऐसे ऐसे ट्रेडिंग करते थे, ये समझाने के लिए मैं बच्चों को ये कर सकती हूँ. ओके, so what do you mean by intrinsic motivation? Intrinsic motivation actually means ma'am, mujhe bhi samajh mein nahi aaya ma'am, sorry. See, main wahi confused ho gayi thi us pe. Usme thoda main bhi confused ho gayi thi ma'am. In the second point, that is teaching to promote students intrinsic motivation. Yes. Means what? Others, anyone can try, yes, to answer? Yes. I want answers from others. Yes, Kuresha. Intrinsic means, ma'am, related to something. Related to, belongingness. Okay. The progressive challenge and experience which include but not limit the question. Questioning, setting goals, planning, and self. See, it's like intrinsic motivation. It's like a self motivation. So, as a teacher, okay, we have to plan different activities. So, either activities are not only related to the questioning, setting goals, planning, self evaluation, and projects. But apart from that, teachers should plan different activities so that students should get self motivation, or you can say intrinsic motivation. Okay, understood about this? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yogita, thank you, ma'am. In your seminar, repeatedly you are using the word "आप ऐसे कर सकते हो, आपका ऐसे हो सकता है." Okay. So basically, this seminar topic is related to teachers. So you supposed to use word. Yes, teacher, ma'am. Okay. Teachers. Sorry, ma'am. Sorry. Yes, ma'am. Okay. And one was there, that is in your slides.
the word university, the university rules, university policy. So here we are talking about the general teachers, or you can say teachers at the school's level. So you should avoid okay. that words. Okay, that is university rules, your oh. university policies. Okay, like this. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, and actually the entire topic, you are also learning while giving seminars, okay? You explained yes, the entire topic with giving different examples. That was really appreciable. Thank you, Yogita, for that. But see, you, as a teacher, it's my responsibility to give you some suggestions. See, yes, ma'am, yes. Our college is English medium college, and after completion of your B.Ed. course, you may enter in English medium schools only. So yes, ma'am. So there you need to explain maximum in English language, okay? You can switch yes, on ma'am. Hindi language, that is not an issue, but try to explain the content in very simple way in English language only, okay? And then you can use Hindi language as a secondary language, you can use, that is not an issue, just try. Yeah. So this is the platform yes, where ma'am. You can do practice, okay? Just try. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And one ma'am, more. Actually, मैं art side से हूँ तो इसलिए थोड़ा सा confused मतलब ये हो जाता है. Don't tell me any reasons. I am belong to art side. My medium is vernacular medium. Don't give me any reasons, okay? Because all reasons are very silly reasons. See, and one more okay, thing. Okay, ma'am. Just try to focus on your pronunciation. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And if you know the different words, means see, some words are not difficult. So always words are new for us. So if some words you find new, if you don't know how to pronounce that word, please ask other students also. Your friend circle is yes. there. You can ask friend circle. You can ask me also. Okay. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Congratulations once again. If any other query, you can ask your queries to me also. Yes, students. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello, okay. Yes. Atiba, ma'am. Yes. Sir, ma'am. Ma'am, it is a compulsory to explain the topic in a language, can say in an English way, because what I think, even the policy says, what a new policy had come down. The person should understand the topic. That is a main concern. Actually, that is true. But see, yes, see, I'm not objecting. Whatever you evaluated, just asking for because ma'am. See, what I told, I give you remark that you can switch on Hindi language, but that should be your secondary language. I never told her that you should stick only one language, that is English language. Okay, because the as a teacher, the main thing is understanding. And I think here yes, all ma'am. Are the all are her classmates. And there is no one is yes. there, and all are from English mediums, or maybe they are having second language as English as a second language. So while explaining these topics, this is not a class of fifth standard or sixth standard, so that we can use maximum Hindi language. No, I'm not talking about yes, Yogita. I'm just asking a journally, and please no, don't see, take. Even you can use Marathi language. You are in Maharashtra, and most of the students they are having first language as a Marathi language, so you can Marathi language. Use Marathi language. Language also, but it is while using different language, it is very difficult to switch on different languages. Okay, just try. अगर आप इंग्लिश यूज करते हो, इंग्लिश यूज करने के बाद हिंदी में स्विच होना इजी है, लेकिन हिंदी में स्विच होने के बाद अगेन यू आर मूविंग टू द प्रीवियस लैंग्वेज, इट इज रियली चैलेंज. Yes, that is true. Okay. Yeah. Thank you. Don't take the thing in a negative. No, Kulesha. No. Having a query, that's why I thought to ask. Yes. Yeah. See, we are here for solving your queries only. Okay. Thank you yeah. so much. Thanks a lot, ma'am. Okay. Who is thank you, ma'am. Thank you, Yogita. See, who is going to conduct seminar? Mummy, ma'am. Asha Vitekar. Tomorrow, Asha, are you ready with your seminar? Yes, ma'am. I will send you the file till 4 o'clock, and you check it. Then tomorrow I'll give you the send. Okay. Thank you so much. Now I'm going to end up this meeting. Thank you so much. Bye bye. Okay, ma'am. Thank you. Bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.